रामायण रामायण घेऊ श्वास हा नवा, रामायण रामायण घेऊ ध्यास हा नवा, रामायण रामायण। मैं रमेश लालवानी ग्रामायण प्रतिष्ठान का एक कार्यकर्ता हूँ। ग्रामायण प्रतिष्ठान करीब 150 प्लस ग्राम ग्रामीण उद्योजक एवं उत्पादक एनजीओ का समूह है। हमारे प्रतिष्ठान ने अब तक 3 एग्जीबिशन की हैं, जिनमें हम ग्रामीण उत्पादकों को शहर के ग्राहकों से मिलवाते हैं। 3 प्रदर्शनियों में करीब 1 लाख प्लस लोगों ने भेंट दी है। हम ग्रामीण लोगों के लिए विविध विषयों पर कार्यशाला भी लेते हैं। हमारे संस्था का उद्देश्य है कि हम ग्रामीण उद्योजकों को गवर्नमेंट स्कीमें बताएं और एमएसएमई, ग्रामीण उद्योग, खादी ग्राम उद्योग की अन्य गवर्नमेंट योजनाएं बताएं और उनको आत्मनिर्भर बनाएं। इस कोविड के टाइम में हमारी संस्था ने चिंतन, सेवा और ज्ञान गाथा के माध्यम से लोगों तक अलग अलग विषय पहुंचाए। आज का हमारा विषय है बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक ब्यूरो। श्री विजय नितनवरे यहाँ के बीआईएस के प्रमुख इंचार्ज हैं। वो आज हमें इसके बारे में बीआईएस का महत्व बताएंगे। अब मैं श्री विजय नितनवरे और उनके टीम का स्वागत करता हूँ और नितनवरे जी का आमंत्रित करता हूँ कि और आमंत्रित करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि वो इस गोष्ठी में को आगे बढ़ाएं। विजय नितनवरे जी, नमस्कार। नमस्कार मैं भारतीय मानक ब्यूरो नागपुर शाखा कार्यालय का प्रमुख, और जैसा ग्रामायण से हमारा पिछले 1.5 महीने से लालवानी जी से मुलाकात हुई थी हमारे ऑफिस में, और लालवानी जी ने ही ये ग्रामायण का संपर्क कॉन्टैक्ट नंबर दिया था। उसी के थ्रू हमने कॉन्टैक्ट करके जो भी प्रोग्राम करना है वो हमने प्रपोज किया था और वो एग्री हो गए। उसके लिए मैं ग्रामायण प्रतिष्ठान का धन्यवाद अदा करता हूँ। मेरे साथ मेरे कलीग श्री पीयूष वासेकर साइंटिस्ट डी, श्री सर्वेश त्रिवेदी साइंटिस्ट सी, एंड श्री गणेश कोहाड़ सेक्शन ऑफिसर, ये भी ज्वाइन करेंगे अलग अलग विषयों पर। मैं भारतीय मानक ब्यूरो की एक्टिविटीज और कंज्यूमर प्रोटेक्शन का संक्षिप्त में प्रेजेंटेशन दूंगा। ये प्रेजेंटेशन ओपन करना पड़ेगा क्या प्रशांत जी? हाँ, प्रेजेंटेशन ओपन कर लीजिए और देन ये स्टार्ट शेयरिंग कर दीजिए। फिर ये ओपन कर ला ये। नहीं थे विंडो में डाल पाएगा। नहीं, पोस्ट भी नहीं।
गया क्या जी? पार्ट सर आया क्या? ये हाँ आया आया आ गया हाँ ठीक है हाँ। भारतीय मानक ब्यूरो यह एक नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी है। भारतीय मानक ब्यूरो ने करीब 20,000 इंडियन स्टैंडर्ड पब्लिश किए हैं। 14 डिविजनल काउंसिल्स है उसके थ्रू जो टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स हम कहते हैं। हर साल 350 के करीब नए स्टैंडर्ड पब्लिश करता है भारतीय मानक ब्यूरो और करीब करीब 300 से ज़्यादा अमेंडमेंट पब्लिश करता है। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द रिस्पेक्टिव फील्ड। सर वो प्रेजेंटेशन स्क्रीन स्लाइड शो है करा ना ये तुमच्या स्क्रीन वरती स्लाइड शो नाही प्रेजेंटेशन नाही दिसत आहे दुसरे स्क्रीन दिसत आहे स्क्रीन प्रेजेंटेशन शेयर स्क्रीन करके प्रेजेंटेशन का पेज आप ओपन कर लीजिए अपने लैपटॉप पे वो शेयर है स्क्रीन शेयर हो गया है आपका लेकिन कुछ और चीज दिख रही है जो अपना मीटिंग का है वो दिख रहा है डिस्प्ले वो प्रेजेंटेशन पे आप सिलेक्ट करके हाँ आ गया आ गया अभी दिख रहा है प्रेजेंटेशन आ गया आ गया आ गया भारतीय मानक ब्यूरो के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो फ्री अवेलेबल है ऑन द वेबसाइट जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं ये वेबसाइट लिख लें standardsbis.in एंड bsbh.com ये दोनों वेबसाइट पे BIS पब्लिकेशंस फ्रीली अवेलेबल है सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड के लिए। अभी आते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो शैल एस्टैब्लिश इंडियन स्टैंडर्ड इन रिलेशन टू एनी गुड्स आर्टिकल प्रोसेस सिस्टम और सर्विसेज एंड शैल रिफर अमेंड रिवाइज और विड्रॉ इंडियन स्टैंडर्ड सो एस्टैब्लिश एज मे बी नेसेसरी बाय ए प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर्स हु मे इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वेरियस इंटरेस्ट सच एज कंज्यूमर regulatory and other government bodies, industry, testing laboratories or calibration laboratories, scientists, technologists and members of the committee of the bureau. ये typical standard formulation का chart है कौन कौन लोग involved होते हैं वो इसमें दर्शाया गया है। ये स्टैंडर्डाइजेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन का कैसा स्ट्रक्चर होता है वो इधर दिया गया है। पहले सब कमिटी होती है पैनल्स होते हैं सेक्शनल कमिटी होती है डिवीजन काउंसिल होती है देन स्टैंडर्ड्स एडवाइजरी कमिटी होती है उसके ऊपर ब्यूरो होता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन के 6 स्टेजेस है। स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन के बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है ब्यूरो की कन्फर्मिटी असेसमेंट। कन्फर्मिटी असेसमेंट में प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन ये मेन एक्टिविटी है जिसको हम ISMR कहते हैं। प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ BIS aims at providing थर्ड पार्टी एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। प्रेजेंस ऑफ BIS सर्टिफिकेशन मार्क नोन एज स्टैंडर्ड मार्क ऑन द प्रोडक्ट इज एन एश्योरेंस ऑफ कन्फर्मिटी टू द स्पेसिफिकेशन। ये जो प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम है ISMR स्कीम है ये बेसिकली वॉलंटरी इन नेचर लेकिन फ्रॉम टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन कंसिडरेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी
सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट एंड मास कंजम्पशन products has enforced compulsory certification on various products through orders issued from time to time under various acts by government of india like packaged drinking water ye compulsorily ISI mark hai lpg cylinder lpg wall lpg regulator ye sab compulsory mandatory certification mein aate hain like infrastructure requirements steel jitne steel product hai अभी सभी मैंडेटरी सर्टिफिकेशन में आ गए हैं। जैसा मैंडेटरी सर्टिफिकेशन में कुछ प्रोडक्ट्स है लाइक गैस सिलेंडर रेगुलेटर वॉल्स इसका सर्टिफिकेशन बीआईएस की तरफ से होता है उसी वो सर्टिफिकेशन के बाद ही वो प्रोडक्ट बाहर निकाला जाता है। देन प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन के बाद आता है नेक्स्ट सिस्टम सर्टिफिकेशन। भारतीय मानक ब्यूरो ने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन स्कीम चालू की थी 1991 में। इनिशियली बीआईएस स्टार्टेड द स्कीम विद क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ISO 9001 एंड ओवर द इयर्स इट हैज ग्रेजुअली एक्सपेंडेड इट्स एक्टिविटीज टू वेरियस मैनेजमेंट सिस्टम। पहला आता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, दूसरा आता है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम 14001, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम 22000, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम 50001, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम 18001, सर्विस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम 15700, हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स IS 15000। ये हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट में देयर इज नो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। आप देख रहे होंगे ISO लिखा है, मींस ISO स्टैंडर्ड BIS ने अडॉप्ट कर लिया है, इसलिए उसका नाम ISO हो गया है। सोशल अकाउंटेबिलिटी एट वर्कप्लेस ISO 16001, रोड ट्रैफिक सेफ्टी मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन स्कीम ISO 39001, एडवेंचर टूरिज्म सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ISO 21101, ready mix concrete certification scheme as per ISO 9000। ये और भी कुछ स्कीम है जो सिस्टम सर्टिफिकेशन में हम सर्टिफाई करते हैं। देन आता है बीएस का एक एक्टिविटी FMCS, फॉरेन मैन्युफैक्चरर सर्टिफिकेशन स्कीम। भारतीय मानक ब्यूरो ने फॉरेन मैन्युफैक्चरर सर्टिफिकेशन स्कीम 2000 साल में शुरू किया है। ये स्कीम के तहत हम ISI मार्क इंडिया के बाहर जाके भी दे सकते हैं। अंडर FMCS लाइसेंस इज ग्रांटेड टू ए फॉरेन मैन्युफैक्चरर फॉर यूज ऑफ स्टैंडर्ड मार्क ऑन ए प्रोडक्ट दैट कंफर्म्स टू इंडियन स्टैंडर्ड। द स्कीम इज एप्लीकेबल फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस फॉर ऑल द प्रोडक्ट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी गुड्स नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। द लाइसेंस इज ग्रांटेड बाय फॉरेन मैन्युफैक्चरर सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट लोकेटेड एट BIS हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। देन एक और एक डिपार्टमेंट है CRS, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोटिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गुड्स रिक्वायरमेंट फॉर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑर्डर 2012 ऑन 3rd अक्टूबर 2012 फॉर 15 प्रोडक्ट्स। उसके बाद 15 और प्रोडक्ट ऐड किए गए 13 नवंबर 2014 में, 24 अक्टूबर 2016 में इंडियन लैंग्वेज सपोर्ट फॉर मोबाइल फोन्स ऐड किया गया, 23 अगस्त 2017 में 13 और प्रोडक्ट ऐड किए गए। बेसिकली ये जो स्कीम है, दिस स्कीम इज स्टार्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पहले ये डाइटी था, अभी ये सेपरेट मिनिस्ट्री हो गई।
उनके पास सर्टिफिकेशन का कोई एक्सपर्टाइज नहीं था, देन दे हैंडेड ओवर दिस वर्क ऑफ रजिस्ट्रेशन टू BIS. ये सोलर फोटोवोल्टेइक सिस्टम डिवाइसेस और कंपोनेंट्स, ये सभी 5 सितंबर 2017 में ऐड किए गए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के तरफ से. एज पर द ऑर्डर नो पर्सन शैल मैन्युफैक्चर और स्टोर फॉर सेल इंपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूट गुड्स विच डू नॉट कन्फर्म टू द इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर एंड डू नॉट बियर द स्टैंडर्ड मार्क विथ यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम BIS. Then we come to the laboratory services. To protect consumers' interest, BIS operates various conformity assessment scheme. Under this scheme, BIS grant licenses registration to such manufacturers who are capable of producing goods conforming to relevant Indian standards on continuous basis. So, to support this scheme, which requires testing of products on regular basis for the checking conformity to the relevant Indian standards, BIS has established a network of 8 laboratories. हमारी laboratories Delhi NCR में है, Mumbai में है, Calcutta में है, Chennai में है, Bangalore में है, Chandigarh में है, Patna में है, Guwahati में है. अभी जो भी laboratory हमारे पास है BIS के पास, वो सफिशिएंट नहीं होती है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में जो लाइसेंसेस इशू किए हैं मोर देन 37,000, वो स्टैंडर्ड्स के तहत, वो लाइसेंस के तहत जो भी सर्वेलेंस विजिट्स होती है, सर्वेलेंस विजिट में हम लोग सैंपल ड्रॉ करते हैं, तो सैंपल का टेस्टिंग का अरेंजमेंट होना चाहिए. दैट्स व्हाई BIS स्टार्टेड, BIS ऑपरेट्स लेबोरेटरी रिकॉग्निशन स्कीम which is governed by the provision under section 13(4) of the BIS Act and rule. Is laboratory recognition scheme में 500 से ज्यादा laboratories हमने approve किया है, जिसमें हम regularly sample भेजते रहते हैं. Then BIS का एक important department है, Hallmarking. The BIS Hallmarking scheme has been aligned with the international criteria on Hallmarking. As per this scheme, registration is granted to jewelers by BIS under Hallmarking scheme. The BIS certified jewelers can get their jewelry hallmarked from any of the BIS recognized assaying and hallmarking center. Hallmarks are thus official marks used in many countries as a guarantee of purity or fineness of precious metal article. Hallmarking vistar se hamare officer Sri GM Kohat ji batayenge. Hamara Noida mein ek training institute hai jiska naam hai National Institute of Training for Standardization NITS. Ye 1995 mein set up kiya gaya tha. और हम इंडस्ट्री के जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से टेलरमेड ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, और इंडस्ट्री चाहेगी तो इंडस्ट्री के प्रीमाइसेस में हमारे ऑफिसर जाके ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं. ट्रेनिंग स्टैंडर्डाइजेशन में देते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस पे देते हैं, मैनेजमेंट सिस्टम पे देते हैं, सर्टिफिकेशन और लेबोरेटरी टेस्टिंग. हर साल जो अंडर डेवलप कंट्रीज है या डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें से करीब 50 ट्रेनिंग आते हैं टू आवर NITS ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एट नोएडा. वो 6 महीने का ट्रेनिंग होता है अबाउट द स्टैंडर्डाइजेशन, सर्टिफिकेशन, लेबोरेटरी टेस्टिंग. BIS के पास एक कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट है
BIS has a full-fledged consumer affairs department functioning at its headquarters in New Delhi and public grievance officers at regional and branch offices. नागपुर शाखा कार्यालय के श्री सर्वेश त्रिवेदी साइंटिस्ट सी, ये हमारे पब्लिक ग्रेवेंस ऑफिसर है. कोई भी कंप्लेंट है, ग्रेवेंस कंप्लेंट कैन बी लॉज्ड रिगार्डिंग बीआई सर्टिफाइड प्रोडक्ट अंडर वेरियस स्कीम और सर्विसेज रेंडर्ड बाय बीआई इन द फॉलोइंग मैनर. ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं बीआई वेबसाइट पे, मोबाइल एप्लीकेशन जो अभी डेवलप की जा रही है, या फिर ये जो मेल दी है complaints@bis.gov.in, इस पे आप मेल भेज सकते हैं. ब्रांच में पर्सनली कांटेक्ट करके या ब्रांच को लेटर देके भी आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं. कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट्स के एम देखिए अभी, टू एस्टैब्लिश इम्प्लीमेंट एंड रिव्यू द मिशन एंड द विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू सिटीजन चार्टर, टू रिड्रेस द कंप्लेंट्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम एज स्पेसिफाइड इन सिटीजन चार्टर, ऑर्गेनाइज कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम, एजुकेशनल यूटिलाइजेशन ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इंडस्ट्रियल अवेयरनेस, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन क्वेरीज ऑन वेरियस एक्टिविटीज ऑफ ब्यूरो. हमारे पास एक डिपार्टमेंट है एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, जो ISMR लगता है क्वालिटी का, उस पर कोई डुप्लीकेसी करता है या जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो लोग ISMR लगाते हैं, तो वो सब एनफोर्समेंट में आता है. ब्रांच ऑफिस अपने ज्यूरिडिक्शन के अंदर, हमारा ज्यूरिडिक्शन नागपुर से पूरे विदर्भ के 11 जिले हम कवर करते हैं नागपुर से. सेक्शन 28 ऑफ BIS एक्ट के अंतर्गत हम सर्च एंड सीजर कंडक्ट करते हैं और उसका फिर कोर्ट में प्रोसिक्यूशन लॉन्च करते हैं अगेंस्ट द पार्टी. अभी कंज्यूमर क्या है? ए पर्सन हु बाइज एनी गुड्स और हायर्स और अवेल्स ऑफ एनी सर्विस टू फॉर कंसिडरेशन but does not include a person who obtain goods for resale or goods or service for any commercial purpose. Consumer protection kya hai? Is the practice of safeguarding buyers of goods and services and public against unfair practices in the marketplace. Such laws are intended to prevent business from engaging in fraud or specified unfair practices in order to give an advantage over competitor or to mislead consumers. ये consumer protection हो गया. अभी consumer protection act 2019 और consumer protection act 1986 का brief comparison देंगे. 1986 के act में there was no provision for regulator. 2019 के act में CCPA है, CCPA यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी फॉर्म हो गई है एंड इट इज ऑपरेशनल विथ इफेक्ट फ्रॉम 24 जुलाई 2020. के एक्ट में देर वॉज नो प्रोविजन फॉर ई कॉमर्स कंपनीज लाइक Amazon. 2019 के एक्ट में जो भी ई कॉमर्स, ऑनलाइन सेल्स, ऑनलाइन मार्केटिंग जो भी है वो सब कवर कर लिया गया है. राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, राइट टू सेफ्टी, जो भी प्रोडक्ट आप खरीदेंगे वो सेफ होना चाहिए, इट शुड नॉट कॉज डैमेज टू द कंज्यूमर. राइट टू बी इंफॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, right to seek redressal, right to consumer education, responsibilities of a consumer. Consumer has a certain responsibility to carry as an aware consumer can bring changes in the society and would
help other consumers to fight the unfair practice or be aware. They should be aware of their rights under the Consumer Protection Act and should practice the same in case of need. They should be well aware of the product they are buying, should act as a cautious consumer while purchasing the goods. In case of a product which is found of anything false or not satisfactory, a complaint should be filed. The consumer should ask for a cash memo while making a purchase. A customer should check for the standard mark that have been introduced for authenticity of the quality of the product, like ISI or Hallmark, etc. अभी तक इंडिया में करीब 37080 नंबर ऑफ लाइसेंसेस हमने दी है. 16,167,78 नंबर्स है जो मैंडेटरी सर्टिफिकेशन में आते हैं. 20,302 नंबर्स है जो वॉलंटरी सर्टिफिकेशन में आते हैं. इंडिया BIS ने करीब करीब 20,000 के ऊपर इंडियन स्टैंडर्ड पब्लिश किए हैं. उसमें से 1,006 स्टैंडर्ड है जो सर्टिफिकेशन में है. 1,006 स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन में जो है उसमें से ही हमने 37,000 लाइसेंस इशू किए हैं. मींस करीब करीब 19,000 स्टैंडर्ड अभी ऐसे है BIS के पास जिसका कोई लाइसेंस एग्जिस्ट नहीं करता है. थैंक यू वेरी मच. हाँ नमस्कार. अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ श्री सर्वेश त्रिवेदी साइंटिस्ट जी से कि वो अपना प्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड्स ऑन सैनिटेशन पे शुरू करें. भारतीय मानक ब्यूरो से हूँ. सर्वप्रथम मैं जो सैनिटेशन स्वच्छता पर आज भारतीय मानक ब्यूरो के स्टैंडर्ड्स मानकों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, उसके पहले मैं सबका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ जो इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में आज सहयोग कर रहे हैं, खासकर ग्रामायण का. तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जिसमें यू कैन सी प्रेजेंटेशन. जी मेरी स्क्रीन दिख रही है. विजय सर आप स्टॉप शेयरिंग कर दीजिए पहले. नहीं अभी नहीं आई. ठीक है अभी आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी. स्क्रीन नहीं दिख रही. शेयरिंग तो कर दी मैंने. अभी भी नहीं आई है स्क्रीन. नहीं अभी नहीं दिख रही. आ गया. ओके ओके. तो सैनिटेशन सबसे पहले हम शुरू करते हैं सैनिटेशन का अर्थ. तो सैनिटेशन का अर्थ जो हम निकालते हैं वो है पब्लिक हेल्थ कंडीशंस, अर्थात लोक स्वास्थ्य. आज कोरोना के इस समय में हमें इस चीज का अर्थ और महत्व और ज्यादा समझ में आता है, लोक स्वास्थ्य, जिसमें कि हम सब कलेक्टिव रूप से कैसे हम सबके स्वास्थ्य के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो उस लोक स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज है ये सैनिटेशन, स्वच्छता, जिसमें कि जिसके प्रमुख आयाम है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पीने योग्य साफ पानी, और जो हमारा अपशिष्ट जो कूड़ा कचरा निकल रहा है उसका निपटान, वेस्ट डिस्पोजल. तो ये दो सैनिटेशन के प्रमुख आयाम हैं, लोक स्वास्थ्य जिसके दो आयाम हैं, पीने का उचित पानी और जो कूड़ा कचरा वेस्ट जो निकलता है उसका डिस्पोजल अर्थात निपटान. तो द मोस्ट ऑफ द वेस्ट दैट इज जनरेटेड अराउंड लिविंग बींग इज ऑफ सॉलिड नेचर. ज्यादातर वेस्ट जो भी हम जनरेट करते हैं हमारे घरों से, हमारे रसोई घर से निकलने वाले कूड़े, हमारे घर से निकलने वाले कचड़े, हमारे सीवेज से निकलने वाले मल, ये सारा ज्यादातर जो हमारे वेस्ट कूड़े कचड़े हैं ये सॉलिड फॉर्म में हैं. तो
ये हम इसीलिए हम वेस्ट का जो अलग अलग वैरायटी होती है सॉलिड लिक्विड या फिर सेमी सॉलिड, तो उसमें सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल आज सबसे प्रमुख हमारे लिए एक समस्या और सबसे जिम्मेदारी बन जाता है हमारी। सॉलिड वेस्ट वो है जो सॉलिड या सेमी सॉलिड नेचर का हो। सॉलिड नेचर का वेस्ट अर्थात हो गया जैसे आप हमारे रसोई घर से निकलने वाले छिलके हो गए, पॉलिथिन हो गई, पेपर हो गए, और सेमी सॉलिड अर्थात हमारे शौचालयों से निकलने वाला मल हो गया। तो ये सारी चीजें सॉलिड वेस्ट में आ जाती है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है वो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा बनाया गया एक मानक है, स्टैंडर्ड है IS 16557, जिसके अनुसार सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सेग्रीगेशन, कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट जनरेटेड एट हाउस होल्ड एंड कम्युनिटी लेवल। अर्थात हमारे घरों में और हमारे जो सामाजिक रूप से किसी कार्यक्रम में, किसी सामाजिक स्थल पे, किसी सार्वजनिक स्थल पे निकलने वाले जो ये दो जगह से निकलने वाले सॉलिड वेस्ट हैं, इंडस्ट्रियल छोड़ के, उसका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इसमें डिफाइंड है कि वो कैसे है। सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का अर्थ हो गया उचित प्रकार के वेस्ट को उचित जगह में रखना। अभी मैं अलग अलग वेस्ट का आपको अलग अलग कूड़ों का प्रकार बताऊंगा। तो सेग्रीगेशन का अर्थ हुआ अलग अलग प्रकार के कूड़ों को अलग अलग करके इकट्ठा करना। फिर वेस्ट कलेक्शन हुआ उनका उनका कलेक्शन, अर्थात उनको अलग जगह पे इकट्ठा करके उनको सही व्यक्ति को कलेक्ट करके हमें देना। वेस्ट डिस्पोजल का अर्थ हुआ कि उन्हें जो भी ट्रीटमेंट करना है या जिस प्रकार से उन्हें सरकार के बताए मानकों द्वारा, सिस्टम द्वारा हमें डिस्पोजल के लिए देना है वो। तो ये तीन प्रोसेस मेन जो है वेस्ट मैनेजमेंट का पार्ट बनती है। अभी सॉलिड वेस्ट का प्रकार, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हम सभी समझते हैं जो हमारे घर से निकलने वाले ऐसे वेस्ट जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म या प्रकृति की कोई दूसरी प्रक्रिया द्वारा, जिन्हें एक सिंपल फॉर्म में ला करके धीरे धीरे प्रकृति में मिल जाते हैं, जो ऐसे वेस्ट को बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। जैसे कि ये लिखा है कुक्ड फूड, वेजिटेबल पील्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, अर्थात खाना जो बचा खाना रहता है, सब्जियों भाजियों के जो छिलके निकलते हैं वो, फल या फ्लावर, जो भी मैंने बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं जो नेचर से प्राप्त होके अंततः नेचर में मिल जाएंगी किसी भी प्रकृति की प्रक्रिया के द्वारा, वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आता है। फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये वैसे पेस्ट हैं आप देखेंगे जो मूलतः नेचर से नहीं आ रहे हैं, जिनका ह्यूमन उत्पादन, हम उत्पादन जिनका कर रहे हैं ऐसे हैं। जैसे ड्राई वेस्ट हो गए, पेपर, प्लास्टिक। ये प्लास्टिक हमें सबको पता है कि कितना बड़ा खतरा है हमारे आगे के आने वाले समय के लिए, क्योंकि ये वापस जाकर के नेचर में मिलने के, इसके अभी तक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं हमें मिले हैं ना हम बना पाए हैं जो वापस जाकर के इसको पूरी तरह से प्रकृति में मिला दें। बायोमेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट अर्थात सैनिटरी नैपकिन जो हमारे घरों में यूज होता है, डायपर्स, सॉइल्ड कॉटन एक्सेट्रा, ये बायोमेडिकल वेस्ट ऐसे वेस्ट हुए जिनको कि किसी प्रकार की हम मेडिकल सुविधा के लिए, अपने मेडिकल उपयोग के लिए यूज करते हैं और उसके बाद वो वेस्ट निकलता है। हजार्डस वेस्ट होते हैं पेंट ड्रम्स, पेस्टिसाइड्स, कैंस, CFL बल्ब्स, ट्यूबलाइट एक्सेट्रा। मतलब ऐसे वेस्ट जिसमें कुछ ऐसे तत्व, कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो बाहर प्रकृति में खुले में निकलने पर वो प्रकृति के लिए, जीवन के लिए, मनुष्यों के लिए, जानवरों के लिए हानिकारक हो सकते हैं, ऐसे हजार्डस वेस्ट हो गए। ई वेस्ट, आज आने वाले समय में अगले कुछ वर्षों में ये ई वेस्ट हमारे लिए एक बहुत बड़ा टॉपिक बन के, बहुत बड़ी परेशानी और बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन के सामने आने वाला है। ई वेस्ट अर्थात वह वेस्ट जो मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, आज स्मार्टफोन्स की लाइफ काफी कम हो चुकी है। आने वाले हर लोग हर 4 साल, 5 साल, 3 साल में फोन बदलते हैं। हर आने 4 साल में टेक्नोलॉजी बदल जाती है, जिसके कारण आपको अपने उपयोग को उसी स्तर पर बनाए रखने के लिए नई टेक्नोलॉजी की चीजें खरीदनी पड़ती है, अतः निकलता है ये ई वेस्ट। तो ये हो गया वेस्ट के प्रकार। सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, ये 4 प्रकार से सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट किया गया है। सबसे पहला प्रकार है स्टोर ड्राई वेस्ट, पेपर, प्लास्टिक, ये सब जो वेस्ट हो गए, जो ड्राई वेस्ट हैं, इनको एक अलग तरीके, अलग में स्टोर किया जाए। फिर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो मैंने आपको पहले बताया था, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सब्जी भाजी तरकारी के छिलके, ये सब इनको अलग जगह स्टोर किया जाए। बायोमेडिकल वेस्ट जो सैनिटरी नैपकिन, डायपर्स, ये जो मैंने आपको बताया, इन्हें अलग स्टोर किया जाए। और डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट, मतलब जो LED बल्ब्स हो गए या फिर पेंट के डब्बे हो गए, है ना, या कोई ऐसी चीजें हो गई जो बाहर ओपन में, खुले में जाने पे हानि करेंगे मनुष्य को एवं जीवन को, उसे अलग। तो इन 4 प्रकार से अलग अलग तरीकों से इन वेस्ट को इकट्ठा किया जाना चाहिए। ये चारों प्रकार के कूड़े करकटों को मिलाया नहीं जाना चाहिए। वेस्ट कलेक्शन, ये अलग अलग जो प्रकार के वेस्ट हैं, ड्राई वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट, उनको मिलान, मैंने ये कलेक्ट कैसे किया जाना चाहिए, उनकी हैंडलिंग कैसे किया जानी, उस पर ये है।
ये हाउस होल्ड से फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में किए जाने चाहिए। ड्राई वेस्ट, ड्राई वेस्ट हमारे जैसे हमको सब पता है वो कचरे की गाड़ी आती है उस वक्त हम कचरा देते हैं, तो उसी प्रकार से उसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ड्राई वेस्ट अलग अलग दिए जाने चाहिए। उसके बाद डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट, हजार्डस वेस्ट हमारे यहाँ से मूलतः हर रोज नहीं निकलता, ये ऐसे वेस्ट होते हैं जो कभी कभार, तो इन वेस्ट को हमें एक अलग इकट्ठा करके और इसका अलग निपटान किया जाना चाहिए। जो ऊपर के ड्राई वेस्ट और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हम दे रहे हैं उनमें यह नहीं जाना चाहिए। डोमेस्टिक बायोमेडिकल वेस्ट और गार्डन वेस्ट, गार्डन वेस्ट मतलब लॉन की ट्रिमिंग, ट्री प्रूनिंग, ये सब जो हम करते हैं, तो ये गार्डन से निकलने वाले जो वेस्ट है इनका अलग उपयोग हो सकता है, तो इसको जो है हम दूसरे वेस्ट में ना मिला करके इसका अलग कलेक्शन और डिस्पोजल होना चाहिए। ये पुश कार्ड की डिजाइन हैं जो स्टैंडर्ड से रिकमेंडेशन में कुछ हैं, जिसमें कि आप जो पहले ड्राइंग देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, उसमें एक कार्ट दी हुई है, एक गाड़ी जिसमें कि जिसे धकेल करके आगे बढ़ाया जा सकता है, जिसमें बिन रखने की व्यवस्था है, और पीछे उसमें दूसरी पिक्चर में जो उसके पीछे जो रिसोर्स बैग्स लगे हैं वो दिखाए गए हैं। तो ये एक जस्ट कार्ट की डिजाइन है जो उपयोग की जा सकती है। अब हम आते हैं मेन सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के मेथड्स में। सबसे पहले होम कंपोस्टिंग, तो ये हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि कंपोस्टिंग उन्हीं वेस्ट का किया जा सकता है। कंपोस्टिंग अर्थात हमें उस प्रक्रिया में उन्हें ले जाना जहां पे कि वो कम हानिकारक हो जाएं और नेचर में मिलने के लिए और एक कदम आगे बढ़ जाएं। होम कंपोस्टिंग का अर्थात हुआ होम्स एंड अपार्टमेंट्स कैन यूज द डोमेस्टिक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग कंपोस्ट। मैनी डिजाइन ऑफ होम कंपोस्टर आर नाउ अवेलेबल। जो बायोडिग्रेडेबल कचरा हमारे घरों से निकल रहा है हम उसे कंपोस्ट बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं, जिसमें कंपोस्टिंग नीड्स एरेशन टू कंट्रोल ओडर्स। दिस कैन बी डन बाय एडिशन ऑफ ड्राई लीव्स और कोको पीट टू मेक द वेस्ट पोरस। जो कचरा निकल रहा है उसमें ये ड्राई लीव्स और कोको के पीट डालते हैं तो उससे हवा का आर पार जाना कचरे के बीच से थोड़ा बेहतर हो जाता है, जिससे कि उसमें एरेशन हो जाता है। वर्मी कंपोस्टिंग इज ऑल्सो एन ऑप्शन फॉर डिसेंट्रलाइज्ड कन्वर्जन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट टू यूजफुल मैनुअल। ये वर्मी कंपोस्टिंग के लिए मैनुअल जो बना सकते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से, उसके लिए वर्मी कंपोस्टिंग की प्रोसेस है। ये कंपोस्ट बैकयार्ड जो घरों में या हमारे अपार्टमेंट्स के आसपास हम बना सकते हैं, ये उसका एक डिजाइन है जिसमें कि आपको एक गड्ढा खोदना होता है डिगपिट। उसके बाद ये जो आप सेकंड पिक्चर में देख रहे हैं ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं जिन्हें इस गड्ढे में डाला गया और 20-30 दिन बाद इसको ये जब इसे ढक दिया जाता है डालने के बाद 20-30 सेंटीमीटर मोटी परत से, तो ये उसके बाद मैनुअर बन जाएंगे, मतलब ये बायोडिग्रेडेबल खाद बन जाएंगे। बरियल, दिस कुड बी अंडरटेकन इन एन एरिया इफ सफिशियंट लैंड इज अवेलेबल। ये उस जगह के बारे में है जहाँ पे एक आपको नीचे गड्ढा खोद कर उसमें वेस्ट डालकर और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है, तो इसके लिए थोड़ा सी जगह चाहिए। जहाँ हर जगह शहरों में हमारे पास लैंड की प्रॉब्लम होती है तो ये शायद हर जगह के लिए पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी कुछ जगह जहाँ पे लैंड की प्रॉब्लम नहीं है फॉर्चुनेटली वहाँ पे ये उपयोग किया जा सकता है। द मेथड इज सिमिलर टू सैनिटरी लैंडफिल एंड द इन्वॉल्व्स डिगिंग अ ट्रेंच। 2 मीटर गहरा एक गड्ढा जो आपको बनाना है, 2 मीटर गहरा, 1.5 मीटर चौड़ा, जिसमें कि विलेज से या कैंप से जो वहां से निकलने वाले कचरे हैं उसको डाला जाए और एट द एंड ऑफ द डे द रिफ्यूज इज कन्वर्टेड विथ 20-30 सेंटीमीटर मोटी उसमें मिट्टी की परत लगाई जाए। व्हेन द ट्रेंच इज फिल्ड एंड कॉम्पैक्टेड अ न्यू ट्रेंच इज डग आउट। जब वो इस प्रकार के जो गड्ढा आपने किया ये भर जाए तब आप दूसरे गड्ढे खोदें और वहां पे सेम प्रक्रिया करें, दिन भर का कचरा डालें फिर 20-30 सेंटीमीटर का। ये बायोगैस प्लांट, बायोगैस प्लांट हम जानते हैं जो हमारे जहाँ पे जिन घरों में मवेशी होते हैं या जिन घरों में खेत से आने वाले कचरे होते हैं तो वहाँ पे लोग बायोगैस प्लांट का उपयोग बहुत समय से करते आ रहे हैं और ये एक बहुत ही उपयोगी चीज है जिसका हम लोकल लेवल पे निकलने वाले वेस्ट को तुरंत हम एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब जो चीज हमारे काम की नहीं थी उससे हम अपने काम आने वाली गैस एनर्जी बना लेते हैं। तो ये बायो गैस एनिमल एक्सक्रीटा जनरेटेड इन रूरल एरिया, जिन घरों में मवेशी ज्यादा होते हैं वहां उनके लिए ये सबसे अच्छी चीज है। रूरल सैनिटेशन थ्रू इंडियन स्टैंडर्ड्स, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स यहाँ पे लिस्ट में दिए गए हैं। रूरल एरियाज में हमारे जो सैनिटेशन का आज जो सैनिटेशन के कॉन्सेप्ट की कमी है, जो शौच की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, तो ये सारा आगे आने वाले सारे जो मैं आपको स्टैंडर्ड बता रहा हूँ ये हमारे रूरल एरियाज में ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो सैनिटेशन के लिए, जो शौच के लिए, शौचालय के लिए सही व्यवस्था सुरक्षा के साथ एवं उसके उचित निपटान के तरीके के साथ होती है उसके स्टैंडर्ड्स हैं। एक IS 12314 यहाँ पे दिख रहा है आपको, जो है कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर सैनिटेशन विद लीचिंग पिट्स फॉर रूरल कम्युनिटी। लीचिंग पिट बना करके सैनिटेशन
करने का प्रावधान इसमें बताया गया है। सेकेंड, ये दो पार्ट हैं, पार्ट वन एंड पार्ट टू IS 2470 के, जिसमें कि प्रैक्टिस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सेप्टिक टैंक है। जो शौचालय हम बनाते हैं तो जो घरों में या जो हमारे अपार्टमेंट्स है जहाँ कम लोग हैं वहाँ ऐसी जगह सर्वप्रथम एक सेप्टिक टैंक बना करके वहां से निकलने वाले सीवर को उसमें स्टोर किया जाता है जिसमें कि वो अंदर प्रोसेस होती है। तो ये सेप्टिक टैंक बनाने के कोड प्रैक्टिस, उसकी डिजाइन, उसकी दूरी, ये इस स्टैंडर्ड में बताई गई है IS 2470 में। उसके बाद IS 11972, इसमें कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर सेफ्टी प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हेन एंटरिंग द सीवेज सिस्टम। सीवरेज टैंक, जो सेप्टिक टैंक है, उसको, वो सेप्टिक टैंक की एक कैपेसिटी होती है, यूजुअली उसके आधे कैपेसिटी तक जब स्कम और स्लर दोनों स्लज आ जाता है तो उसको हम निकालने का होता है। तो वो साफ कराने के लिए या और किसी भी उसके मेंटेनेंस के लिए उसमें उतरने के जो कोड और उसमें प्रिकॉशन लेने हैं, क्योंकि हम आए दिन कई बार ये न्यूज सुनते हैं कि सेप्टिक टैंक से निकलने वाले गैस से या फिर उसकी सफाई के दौरान किसी वर्कर की मृत्यु हुई या किसी को हानि पहुंची। तो इसको, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसके लिए क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेने हैं वो इस आई स्टैंडर्ड 11972 में दिया है। IS 12314 जो लीचिंग पिट्स बनाने की बात थी, दिस स्टैंडर्ड हैज बीन प्रिपेयर्ड टू स्पेसिफाई ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर डिजाइनिंग लो कॉस्ट सैनिटरी लैट्रिंस विदाउट सेक्रीफाइसिंग परफॉर्मेंस एंड टेकिंग इनटू अकाउंट सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। मतलब ये स्टैंडर्ड में वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स दी गई है जो कि जिसके बगैर हम एक पर्याप्त साफ सुथरा और सुरक्षित शौचालय की व्यवस्था नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड कवर्स द लो कॉस्ट लैट्रिन स्ट्रक्चर, मेथड ऑफ सेफ स्टोरेज एंड डाइजेशन ऑफ स्लज एंड मेंटेनेंस ऑफ सच लैट्रिन। ये सारी प्रोसेस का इस स्टैंडर्ड में, इस मानक में वर्णन है कि कैसे कम पैसे में शौचालय का निर्माण किया जाए, उसके स्ट्रक्चर बनाया जाए, उसका सेफ, जो शौच से निकलने वाली मल है उसका सेफ स्टोरेज कैसे किया जाए और उसमें उसकी डाइजेशन की प्रोसेस कैसे हो कि वो वॉल्यूम में कम हो जाए और उसका मेंटेनेंस कैसे किया जाए शौचालय का। ये लैट्रिन की सुपर स्ट्रक्चर, शौचालय की का निर्माण जो हमारे देश में आज जोरों पर है सभी जगह पर, और खुले में शौच करने के विरुद्ध इतना कैंपेन चल रहा है जिसके कि बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं उसको देखते हुए सरकारी कैंपेन चला रही है, तो ये उससे रिलेटेड चीज है जिसमें कि मिनिमम साइज दिया हुआ है। शौचालय का मिनिमम साइज 750x900 mm, ये मिनिमम साइज है, और एक प्रेफरेबल साइज दिया है 800x1000 mm, ये चौड़ाई बटे लंबाई। तो फ्लोरिंग कैसी होनी चाहिए, इम्परवियस फ्लोर, मतलब ऐसी फ्लोरिंग होनी चाहिए जिससे कि पानी अंदर जाने की, जिससे पानी आस पार ना जा सके, और स्लोपी होना चाहिए। स्लोपी क्यों, ताकि पानी जो है वो जमा मत हो किसी एक स्थान पर, ताकि जिससे कि सफाई रखने में आसानी हो। फुट रेस्ट जिसमें हम पैर रखते हैं शौचालय में, उसकी यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दी गई है 250x120 का होना चाहिए, और 25 mm अबव द फ्लोर, जमीन के, जो जमीन है शौचालय की उसके 25 mm लगभग ऊपर होना चाहिए, और फ्रंट पोर्शन फुट रेस्ट का चौड़ा होना चाहिए हमारी पैर की बनावट के अनुसार। सुपर स्ट्रक्चर, जो शौचालय का ऊपरी ढांचा बनता है सीट और ये छोड़ करके, ये उसके बारे में है। सुपर स्ट्रक्चर जो है वो जिस बिल्डिंग में भी शौचालय बन रहा है उस बिल्डिंग के अनुसार वहाँ पे कैसी जगह है उसके अनुसार होना चाहिए, उसकी कैसी डिजाइन है वो बिल्डिंग, वेदर कंक्रीट की है, ब्रिक्स की है या एरेटेड कंक्रीट वॉल्स की है, उस हिसाब से। और ये जो नीचे के कुछ ये दिए हुए हैं, कंक्रीट ब्रिक मड वॉल्स विथ हैच्ड और टाइल्ड रूफ, हैच वॉल्स विथ हैच्ड रूफ, बैम्बू मैटिंग, ये सारे प्रकार से उस सुपर स्ट्रक्चर का निर्माण किया जा सकता है, शौचालय के कमरा जो है गया उसका निर्माण। फिर ये लीचिंग पिट फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर है, डिगिंग ऑफ पिट सब्सिक्वेंट सीपेज में डिस्टर्ब द सॉइल अराउंड द पिट, जब हम पिट गड्ढा खोदेंगे तो उसमें सब्सिक्वेंटली सीपेज आ सकता है, तो जो आसपास की जो जमीन है गड्ढा खोदने के बाद आसपास की मिट्टी है, जमीन है, उस पे वो असर डालती है। तो इसीलिए ये सारे मानक दिए गए हैं कि उसकी टोटल डेप्थ कितनी होनी चाहिए। ये दो प्रकार की मिट्टी के लिए, आप नीचे जो टेबल देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, इसमें क्लेई सैंड और सैंडी क्ले, जिसमें एक में जिसमें सैंड 50% होती है मिनिमम, और दूसरे जिसमें क्ले और सिल्ट 50% होते हैं मिनिमम। इन दोनों प्रकार की मिट्टी के लिए और डेप्थ डिस्टेंस ऑफ पिट फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, ये अलग 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 डेप्थ के पिट के लिए ये स्ट्रक्चर बताया गया है। यदि आपको 2.05 मीटर गहरा पिट बनाना है आपकी क्षमता के अनुसार, कितने लोग उस शौचालय का प्रतिदिन उपयोग करेंगे ये सब देखते हुए जो आप शौचालय बना रहे हैं उसके हिसाब से आप शौचालय के पिट की गहराई बनाएंगे, तो ये पिट का साइज और डिस्टेंस एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर से इस टेबल के अनुसार होना चाहिए। ये सारा भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा बनाया गया जो मानक के स्टैंडर्ड है उसमें दिया हुआ है, जो कि सेफ्टी, सुरक्षा एवं एफिशिएंसी, कि वो शौचालय एफिशिएंट रूप से काम करे उसको देखते हुए तय किया गया है।
लोकेशन ऑफ पिट्स इन डिप्रेशन और वाटर लॉक्ड एरियाज, जिन एरियाज में पानी के जमने की प्रॉब्लम होती है, जो हम लो लाइंग एरियाज जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, अर्थात जो एरिया हाइट में कम नीचे हाइट में होता है जहाँ पे पानी के जमने की स्थिति होती है, उन एरियाज में पिट्स का जो निर्माण है उसके निर्माण में कुछ चैलेंजेस होते हैं। तो जो हमारा स्टैंडर्ड है वो इस चैलेंजेस को भी डिटेल में डील करता है और उसके बारे में उसमें डिटेल में डायरेक्शन है कि लोकेशन ऑफ पिट शुड बी अवॉइडेड इन डिप्रेशन, मैंने ऐसी जगह पे अवॉइड किया जाना चाहिए। हाउएवर, लेकिन यदि पूरा एरिया ही लो लाइंग एरिया होगा, पानी जमने का वहां होगा, तो कहीं ना कहीं तो पिट बनाना पड़ेगा। तो पिट यदि बनाना ही पड़ता है तो उस स्थिति में उसकी क्या डिजाइन होनी चाहिए, जो पिट का टॉप होना चाहिए वो जमीन से कम आधा मीटर या पौन मीटर ऊपर होना चाहिए, 0.6 से 0.8 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। ये सारी चीजों का ध्यान रखने का इस स्टैंडर्ड में दिया हुआ है। रेजिंग ऑफ द पिट में नेसेसरी रेजिंग ऑफ द लेटरिन फ्लोर ऑल्सो, क्योंकि आप पिट को यदि ऊंचा करेंगे तो पिट का इनलेट ऊंचा हो जाएगा, पिट का इनलेट ऊंचा होगा तो बनने वाले शौच का जो इनलेट है, शौचालय की जो सीट है, उसे भी आपको शायद ऊपर करना पड़ सकता है। तो ये सारे स्टैंडर्ड उसमें दिए हुए हैं। पिट लेनिंग, पिट की जो लाइनिंग है अंदर, जो पिट का जो सब तरफ का सरफेस रहेगा लाइनिंग, वो कैसी होनी चाहिए उसमें दिया गया है। सबसे पहले हमें ये सामान्य रूप से समझ में आता है कि पिट की जो लाइनिंग है वो ऐसी होनी चाहिए जिससे पानी आर पार ना जाए, तो उसका हनीकॉम ब्रिक वर्क की डिजाइन होनी चाहिए, अर्थात जो जैसा हम मैसोनरी घर में जब दीवार बनाते समय लगवाते हैं हनीकॉम स्ट्रक्चर, कि दो ब्रिक की ज्वाइनिंग के ऊपर एक ब्रिक, ये स्ट्रक्चर उसका होना चाहिए, और थिकनेस ऑफ ब्रिक लाइनिंग, ये सारी चीजें उस स्टैंडर्ड में दी है। इस स्टैंडर्ड का महत्व ये है कि आज जब भारत देश में यह कार्यक्रम चल रहा है और कई जगह नए लोगों को नए शौचालय बन रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जहां की पहले यह नहीं था, तो उसकी सुरक्षा और उसकी डिजाइन ये आम लोगों तक भी इस स्टैंडर्ड द्वारा पहुंच सकता है। आम लोगों में ये जागरूकता होनी चाहिए कि वो जो शौचालय है वो सुरक्षित है या नहीं, और जो शौचालय बन रहा है वो उनके काम आएगा कि नहीं, क्योंकि कोई भी शौचालय बनाने में पैसे लगते हैं और शौचालय यदि सही डिजाइन से नहीं बना तो वो पैसे भी वेस्ट हो सकते हैं। तो इस चक्कर में, इस कारण में ये स्टैंडर्ड जो है काफी महत्व रखता है आज के दौर में। पिट कवर के बारे में इसमें दिया है, मे बी रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट, आरसीसी के जो स्लैब्स आते हैं उससे पिट कवर बनाए जा सकते हैं, स्टोन स्लैब हो सकता है, ट्रीटेड वुडन प्लैंक्स हो सकते हैं, बैम्बूज हो सकते हैं, बांस का बन सकता है। मटेरियल डिपेंड अपॉन द कॉस्ट अवेलेबिलिटी एंड साइट कंडीशन, मतलब कहाँ पर बनाया जा रहा है वहां पे किस प्रकार का मटेरियल अवेलेबल है और उसकी कॉस्ट क्या पड़ती है। सेफ डिस्टेंस फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर सोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये बनाते वक्त जो अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है, सैचुरेटेड सॉइल होती है, अनसैचुरेटेड सॉइल होती है, या उस मिट्टी के कण जो होते हैं उनका मिनिमम साइज क्या है, ये देख करके जो हमारा पिट बनता है वो पिट का पीने वाली पानी की जो निकासी है, जैसे कि कुआं हो गया, हैंडपंप हो गया, बोर हो गया, उससे कितनी उचित दूरी रखनी है हमें हमारे स्वास्थ्य के मानकों को देखते हुए ये इस स्टैंडर्ड में बताता है। तो इसमें दिया हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन द बॉटम ऑफ द पिट एंड द मैक्सिमम ग्राउंड वाटर लेवल, अर्थात ग्राउंड वाटर बारिश में बढ़ के जितना ऊपर आ जाएगा वो मैक्सिमम लेवल 2 मीटर से अधिक होना चाहिए। मतलब कभी भी पिट का जो गड्ढा गहरा है वो पिट का गहरा गड्ढा और ग्राउंड वाटर के ऊपर आने के बीच में 2 मीटर से कम डिस्टेंस किसी हाल में साल के किसी वक्त पे नहीं आना चाहिए। इफेक्टिव साइज ऑफ द सॉइल, यदि सॉइल की साइज 2.2 mm से कम है तो ये दिया है मिनिमम डिस्टेंस वो ड्रिंकिंग वाटर सोर्स से 3 मीटर होना चाहिए, अर्थात यदि कोई कुआं है और आप शौचालय पिट बना रहे हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस कम से कम 3 मीटर होना चाहिए। और कोर्सर सॉइल जो जिसमें 0.2 mm से ज्यादा है उनके लिए अलग दिया है। फिर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉइल, सैचुरेटेड सॉइल और अनसैचुरेटेड सॉइल में पानी का जो रिसने की क्षमता होती है सॉइल की, उसको लेकर के ये दोनों सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉइल डिजाइन है। आप देखिए नीचे दिया है अनसैचुरेटेड सॉइल का कि जहाँ डिस्टेंस बिटवीन द बॉटम ऑफ द पिट एंड द मैक्सिमम ग्राउंड वाटर लेवल ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ द ईयर इज लेस देन 2 मीटर, मतलब वहां पे पानी इतना नीचे जाता है जहाँ पे कि जो ऊपर बढ़ बढ़ के ग्राउंड लेवल 2 मीटर से भी कम हो जाता है, तो वहां पे ये डिस्टेंस दिया गया है कि वो डिस्टेंस फिर जो पीने के पानी का स्रोत है और हमारे द्वारा बनाया जाने वाला जो पिट है उसके बीच का डिस्टेंस कम से कम 10 मीटर होना चाहिए, तभी वो सुरक्षित पानी का स्रोत हमारे पिट के दुष्प्रभावों से सुरक्षित रह सकेगा। कम्युनिटी लेटरिंग्स, प्रॉपरली मेंटेन कम्युनिटी लेटरिंग्स फॉर अ ग्रुप ऑफ हाउसेज, ये स्टैंडर्ड में जो 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 पब्लिक शौचालय होते हैं, जो सार्वजनिक शौचालय होते हैं, वो किस हिसाब से, इसका पूरी स्टडी है कि कितना शौचालय पे कितना लोगों का लोड होना चाहिए प्रतिदिन का, और लोगों के लिए कितनी सुविधा होती है कितने शौचालय मौजूद होने से। तो इस स्टैंडर्ड में ये भी दिया हुआ है कि 1 seat फॉर every 10 person, जहाँ पे शेयर्ड लेटरिन है वहां पे शेयर्ड शौचालयों में एक
सीट होनी चाहिए कम से कम 10 लोगों के लिए, और कम्युनिटी जहाँ पे वो है सीट है वहाँ पे 20 लोगों के लिए कम से कम एक, मतलब अर्थात जहाँ पे एक सामाजिक रूप से सार्वजनिक रूप से यूज किया जा रहा है शौचालय, वहाँ पे 20 लोगों में कम से कम एक शौचालय होना चाहिए। अब ये कुछ जो ऐसी चीजें हैं जो शौचालय के मेंटेनेंस को लेकर के है जरूरी, जैसे कि इसमें मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, शौचालय में जो उपयोग करने के बाद पानी का उपयोग होता है, तो यूजुअली होता है जो कैन या पैन होता है वो वहाँ पे पानी जो होता है अवेलेबल वो कम होता है, जिसके कारण कि उपयोग करने के बाद जो पानी को फ्लश किया जाना चाहिए वो नहीं होता, और समय के साथ धीरे धीरे करके शौचालयों में लाइनिंग दाग पड़ते हैं, लाइनिंग जमती है और उसका मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हो पाता। तो ये जैसे कि इसमें लिखा है मस्ट डूज, जिन जगहों पे पानी सही अवेलेबल है, अच्छा अवेलेबल है, उन जगहों पे 2 लीटर पानी, कम से कम 2 लीटर पानी का कैन होना चाहिए जैसे कि फ्लश करने के लिए यूज किया जा सके, और स्मॉल कंटेनर से ऑफ 25 लीटर कैपेसिटी इन हाउस होल्ड एंड अबाउट 100 लीटर कैपेसिटी फॉर इंस्टीट्यूशंस टू स्टोर वाटर फॉर एब्लूशन एंड फ्लशिंग टू बी केप्ट आउटसाइड, मतलब शौचालयों के बाहर इतने पानी की व्यवस्था होनी चाहिए इस साइज के कंटेनर्स के पानी की व्यवस्था, ताकि 2 लीटर का कैन में जो अंदर रहे उसमें हमेशा पानी की सप्लाई बनाई जा सके, और साफ करने के लिए ब्रश। तो ये मेंटेनेंस के रिगार्डिंग हो गया। सेफ डिस्टेंस ऑफ वाटर सप्लाई ये हम देख चुके हैं अभी। हाँ, ये जो पिट, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, नो जॉइंट ऑफ वाटर मेन शुड बी परमिटेड इन द पिट, जो वाटर लाइन जा रही है उस लाइन का कोई भी पोर्शन का जॉइंट पिट के आसपास, पिट के अंदर या पिट के बहुत नजदीक नहीं होना चाहिए। और लेटरल डिस्टेंस ये हमने बताया 3 मीटर का। ये अभी अगली बात आती है सेप्टिक टैंक्स की, जो IS 2470 Part 1 है। सेप्टिक टैंक, इसमें डिजाइन और कंस्ट्रक्शन, ये एक्चुअली थोड़ा सिविल का मैटर होता है, जिसमें कि सेप्टिक टैंक की जो डिजाइन दी हुई है वो दी हुई है, जैसे ये आप देख रहे हैं एक फोटोग्राफ में, ये सेप्टिक टैंक 2 पार्ट में बना है, फर्स्ट इसका कंपार्टमेंट अलग है, सेकंड कंपार्टमेंट अलग है। सेप्टिक टैंक का उपयोग क्या है, सेप्टिक टैंक ऑफर्स अ प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज प्रायर टू फाइनल डिस्पोजल, मतलब ये सेप्टिक टैंक एक समय भर जाएगा उपयोग होते होते पर, और इससे भी आगे आपको खाली करके निकाल कर वेस्ट कहीं और ले जाके फाइनल ट्रीट करना पड़ेगा, परंतु यह सेप्टिक टैंक जो है ये वेस्ट के प्राथमिक उपचार के लिए उपयोग होता है। इसमें जब मल आकर शौचालय से पाइप द्वारा इसमें आएगा, तो वो कुछ समय के लिए जब यहाँ पे रहेगा तो जो उसमें सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, और उसको बोलेंगे सेटल्ड स्लज, एंड द सुपरनेटेंट लिकर जो ऊपर का लिक्विड पोर्शन रहेगा वो एनारोबिक डाइजेशन, मतलब कि एनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहते हैं, वो एनारोबिक बैक्टीरियाज जो ब्रीदिंग नहीं करते वो डाइजेशन करेंगे वहां पे, उस पे कार्य करेंगे इस स्लज पे, और धीरे धीरे वो साइज में छोटा हो जाएगा, वो उसका माने काफी उसका वॉल्यूम रिड्यूस होके कम हो जाता है। और लेकिन सेप्टिक टैंक की डिजाइन यदि सही नहीं होगी तो उसके काफी हेल्थ हजार्ड हो सकते हैं, क्योंकि मनुष्य मल सीधा वहां पे स्टोर हो रहा है, तो इससे काफी यदि उसकी डिजाइन उसका लीकेज कुछ इश्यूज आते हैं तो वो काफी उसके हेल्थ हजार्ड मनुष्य के स्वास्थ्य पर काफी प्रभाव पड़ सकता है। स्लज विड्रॉल एंड कमीशनिंग ऑफ सेप्टिक टैंक, ये देखिए आप फोटो में देख रहे हैं जो हाइड्रोलिक प्रेशर से जो हमारे शहरों में कहीं पे सेप्टिक टैंक की आपने देखी होगी खाली करने वाली मशीनें, किसी भी क्षेत्र में शहर या ग्रामीण क्षेत्र में कोई सेप्टिक टैंक अपनी 50% की उससे कैपेसिटी से बढ़ जाता है, मतलब नीचे का स्लज और ऊपर का जो सेमी लिक्विड दोनों, तो उसे फिर खाली कराने के लिए इस प्रकार से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगा करके और टैंक को खाली किया जाता है। इसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी दी हुई है, छोटे घरों के जो टैंक हैं वो यूजुअली 2 साल तक खाली करने की जरूरत नहीं पड़ती, बशर्ते वो उनपे लोड कितना आ रहा है, कितने लोग उस शौचालय को उपयोग कर रहे हैं उस पे इसका इसका कैलकुलेशन होता है। ये भी स्लाइड इसी बारे में है। ये लोकेशन ऑफ सब सरफेस एब्जॉर्प्शन सिस्टम है, जहाँ पे जमीन के नीचे और एक एब्जॉर्प्शन सिस्टम होगा जिसमें कि पानी निकल के उसका स्लज का वापस ग्राउंड वाटर को रिफ्रेश करे, वहाँ के लिए अ सबसॉइल डिस्पर्शन सिस्टम शैल नॉट बी क्लोजर देन 18 मीटर फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, 18 मीटर से नजदीकी नहीं होनी चाहिए। इट शैल ऑल्सो बी एज फार रिमूव फ्रॉम द नियरेस्ट हैबिटेबल बिल्डिंग एज इकोनॉमिकली फिजिबल, मतलब अर्थात जहाँ पे कि बहुत ज्यादा घनत्व हो आबादी का उस एरिया में तो पॉसिबल नहीं होगा, बट जिस एरिया में घनत्व कम हो रिहायशी जो बिल्डिंग है वो उससे कम से कम 6 मीटर की दूरी यदि हो सके तो की जानी चाहिए।
ग्राउंड बिलो द एडजस्टेंट बिल्डिंग इज नॉट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय इफ्लुएंट सीपिंग इनटू द सॉइल, मतलब जो बिल्डिंग है उसके नीचे की जो मिट्टी है उसमें सॉइल से यदि कुछ निकल के पोरस पदार्थ कुछ आते हैं तो उससे उस मिट्टी पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए बिल्डिंग की नींव पर। ये आता है जो मैंने आपको बात करी थी सेफ्टी प्रिकॉशन, जिसमें कि साफ सफाई के लिए जो सीवरेज पे सीवरेज में उतरने की प्रक्रिया होती है वो एक बहुत ज्यादा डेंजरस और बहुत ज्यादा उससे एक्सीडेंट होते हैं, तो उसके लिए जो सेफ्टी प्रिकॉशन है उनके बारे में है। पर्सनल एंगेज इन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सीवरेज सिस्टम इंक्लूड सीवेज पंपिंग स्टेशन आर एक्सपोज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशनल हजार्ड लाइक फिजिकल इंजुरीज, उतरते वक्त लग जाना कहीं पर, इंजुरीज कॉज बाई केमिकल रेडियो एक्टिव वेस्ट, कुछ उसमें यदि रेडियो एक्टिव वेस्ट जा रहा है तो जमीन के नीचे उसमें इंजुरी हो सकती है, इन्फेक्शन कॉज बाई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे सीवेज में मल में मौजूद हैं उससे इनको फर्क इन्फेक्शन हो सकते हैं नाना प्रकार के, डेंजर्स इनहेरेंट विथ एक्सप्लोजिव और नॉक्सियस वेपर्स और ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, वहां पे यदि कोई दूसरी गैस प्रचुर मात्रा में मौजूद है तो उससे ऑक्सीजन की अपने आप कमी हो जाएगी क्योंकि वो बंद जगह पे है, तो ऑक्सीजन की कमी अपने आप में एक बड़ी खतरा होती है जान के लिए, और ऊपर से उसमें कुछ अलग एक्सप्लोजिव और हजार्डस गैसेस मौजूद रहती हैं। द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ पर्सनल कैन बी सेफगार्डेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट बाय यूज ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट, यदि प्रॉपर उचित सेफ्टी इक्विपमेंट का उपयोग किया जाए तो इस रिस्क को काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो इस बारे में जो सीवरमैन लोग हैं जो वहां पे उतर के सफाई कर्मी हैं उन्हें जागरूक करना, उन्हें उचित संसाधन प्रोवाइड करना ये बहुत जरूरी है, और भारतीय मानक द्वारा बनाए गए इस मानक में IS 11972 में इन सारे प्रिकॉशंस का वर्णन है। अंत में मैं आपको कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स बताना चाहूंगा जो हमारे घरों में सैनिटेशन के प्रोडक्ट्स जो हैं, स्वच्छता में जो हमारे सैनिटेशन में लगने वाले वाटर सप्लाई में शौचालयों में लगने वाले कुछ जो जरूरी सामान है उनपे जो भारतीय मानक उनके लिए मौजूद हैं, जैसे कि 774 में फ्लशिंग सिस्टम फॉर वाटर क्लोजेट्स, फिर ये लिस्ट में आप काफी सारे देख सकते हैं, स्पेसिफिकेशन फॉर कास्ट कॉपर अलॉय स्क्रू डाउन बिप टैप्स नल के लिए, सेल्फ क्लोजिंग टैप अपने आप बंद होने वाले नलों के लिए, कास्ट आयरन मैन होल के जो कवर्स होते हैं जो आप सड़कों पे देखते हो वो कवर्स के लिए अलग से स्टैंडर्ड है। तो आप अपने घरों में कोई सामान या अपने सोसाइटी में या अपने सार्वजनिक स्थलों में कोई सामान लगाते वक्त यह ध्यान रख सकते हैं कि यदि वो ISI मार्क्ड आपको मौजूद हो रहा है मिल रहा है तो आपको उसकी क्वालिटी की बेहतर गारंटी मिलती है। तो यहाँ पे एक कंप्लीट लिस्ट है ऐसे आइटम्स की, सैनिटरी अप्लायंसेस, विट्रियस सैनिटरी अप्लायंसेस, वॉश बेसिन, स्क्वेटिंग पैंस, लेबोरेटरी सिंक्स, लेबोरेटरी में लगाने वाले सिंक्स, यूरिनल्स, पार्टीशन प्लेट्स जो हम पब्लिक टॉयलेट्स में देखते हैं जो यूरिन ट्रैप्स वगैरह लगे होते हैं वो, और इस प्रकार के काफी सारे स्टैंडर्ड मौजूद हैं भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जो बनाए गए हैं ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए जो आम हमारे उपयोग में घरों में और सारी जगहों में सैनिटेशन के लिए उपयोग में आते हैं। अंत में मैं आपको गांधी जी के एक विचार को बताना चाहूंगा जो शायद आप सब जानते हैं कि वी डू नॉट इनहेरिट द अर्थ फ्रॉम अवर एंसेस्टर्स, वी बोरो इट फॉर अवर चिल्ड्रेन, अर्थात हम इस पृथ्वी को अपने पूर्वजों से हमें ये विरासत में नहीं मिली है, हमने इसे सिर्फ उधार लिया है ताकि हम इसे अच्छे स्वरूप में अपने आने वाली जनरेशन को, आने वाले बच्चों को दे पाए। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम सैनिटेशन का उचित ख्याल रखें ताकि हम इस पृथ्वी को उचित स्वरूप में, स्वस्थ स्वरूप में अपने आने वाली जनरेशन को दे पाए। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर्वे। अभी मैं मिस्टर गणेश कुहाट से अनुरोध करता हूं कि वो हॉलमार्किंग का प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करें। स्क्वाड मैं गणेश कुमार, सबसे पहले मैं ग्रामायण के प्रतिष्ठित सभी पदाधिकारी को और सदस्यों का कार्यक्रम सफल बनाने के आयु के लिए मैं इसमें धन्यवाद देना चाहता हूँ। हनुमानी भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा हनुमानी योजना वर्ष 2000 से स्वैच्छिक रूप से लागू की गई थी, जिससे 15 जून 2021 से अनिवार्य रूप से लागू हो सकती है। हनुमान की योजना का मुख्य उद्देश्य मीनावती सोने से जनता की रक्षा करना और शुद्ध
शुद्ध मानकों को बनाए रखने के लिए निर्माताओं को बाध्य करना, असल हर मार्किंग केंद्र का प्रचालन के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा IS 15820 के आधार पर असल हर मार्किंग केंद्र की DRS द्वारा स्थापना की जाती है। DRS हर मार्किंग योजना हर मार्क आभूषण पर अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के साथ सम्मिलित है। इस योजना के अनुसार हर मार्किंग योजना के अंतर्गत DRS द्वारा जेलर को पंजीकरण किया जाता है। DRS प्रमाणित कुवाड़ जी आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, कुछ नेटवर्क का इश्यू है क्या? किसको भी सुनाई नहीं दे रही है? नहीं आवाज नहीं, आवाज पूरी ब्रेक हो रही है, सुनाई नहीं दे रही है। जी आपकी आवाज ही सुनाई नहीं दे रही है किसको भी, कुछ आवाज ब्रेक हो रहा है, नेटवर्क का इशू दिख रहा है आपका। ओके डिस्कनेक्ट हो गए, डिस्कनेक्ट हो गए शायद। हाँ ये मिस्टर पीयूष, हमारे अगले अधिकारी मिस्टर पीयूष पासेकर स्टैंडर्ड्स ऑन हेल्थ केयर स्टार्ट करेंगे। यस सर, मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ। यस हेलो, क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको अभी? हेलो, नहीं स्क्रीन नहीं आई। नहीं स्क्रीन नहीं आई। अभी आई सर? नहीं अभी आने की है। मैं सबसे पहले ग्रामीण संस्था का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने सफल आयोजन किया है। मैं आज आपको मेडिकल डिवाइस के स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर बताने वाला हूँ। तो इसमें आप देखेंगे कि हमारा डिपार्टमेंट है यहाँ पर BIS में, मेडिकल इक्विपमेंट एंड हॉस्पिटल प्लानिंग डिपार्टमेंट, जिसे हम MHD कहते हैं। उसके अंडर में जो स्टैंडर्डाइजेशन होता है फील्ड है ये, इसके अंडर मेडिकल इक्विपमेंट आता है, सर्जिकल ड्रेसिंग्स आते हैं, देन आर्टिफिशियल लिम्स, देन डायग्नोस्टिक किट्स और वेटरनरी सर्जरी इंस्ट्रूमेंट्स, डेंटल इक्विपमेंट्स, लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स, हॉस्पिटल बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी एंड हॉस्पिटल प्लानिंग एंड हेल्थ केयर सर्विस,
बायोलॉजिकल एंड क्लिनिकल इवैल्यूएशन और इम्यूनो बायोलॉजिकल डायग्नोस्टिक किट्स और मेडिकल इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट एंड फॉरेंसिक साइंस इक्विपमेंट आते हैं। दिस एमएचडी के अंदर डिविजनल काउंसिल एक है, इसमें अराउंड 46 एक्सपर्ट्स है, देन सेक्शनल कमिटी में 20s, एंड सब कमिटी उसके अंडर में, उसके बाद पैनल्स। ये देर आर 20 सेक्शनल कमिटीज आर देयर। देन फर्स्ट सेक्शनल कमिटी है एमएचडी 1, उसमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे बीपी ब्लेड्स, एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट, फाइबर ऑप्टिक्स, इसके बारे में स्टैंडर्ड्स फॉर्मुलेट होते हैं। उसके बाद सेकंड एमएचडी है, इसमें ऑर्थोपेडिक सर्जरी रिलेटेड या ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट के रिलेटेड स्टैंडर्ड्स फॉर्मेट होते हैं। देन थर्ड है एक्सटेटिक एंड गायनोकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसके अंदर जो एब्सटेटिक एंड गायनोकोलॉजी रिलेटेड एंड कॉन्ट्रासेप्शन रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स है ये आते हैं। उसके बाद एमएचडी 4, इसमें ईएनटी रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स है जैसे ऑडोमीटर, देन वाइब्रेटर है, हियरिंग एड्स का है, हुक्स, एलिवेटर्स, इसके रिलेटेड स्टैंडर्ड्स फॉर्मुलेट होते हैं। एमएचडी 5 में ऑप्थोल्मिक इंस्ट्रूमेंट्स के रिलेटेड स्टैंडर्ड्स फॉर्मुलेट होते हैं, जैसे ऑक्युलर इम्प्लांट एंड इक्विपमेंट जो आई सर्जरी में यूज होते हैं। एमएचडी 6, इसमें कार्डियोवास्कुलर सर्जरी में जो इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, इम्प्लांट के लिए एक्सेसरीज लगती है, उस रिलेटेड स्टैंडर्ड्स फॉर्मुलेट होते हैं। MH7 में न्यूरोसर्जरी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट एक्सेसरीज, इसके लिए स्टैंडर्ड्स फॉर्मुलेट होते हैं। MHD-8 में डेंटिस्ट्री रिलेटेड जो इक्विपमेंट है और फीलिंग और रेस्ट्रिक्टिव मटेरियल और प्रोस्टोडोंटिक मटेरियल और यह इम्प्लांट करने के लिए जो इक्विपमेंट लगते हैं वो इस स्टैंडर्ड के अंडर आते हैं, इस सेक्शनल कमिटी के अंडर आते हैं। उसके बाद MHD-9, इसके अंडर आर्टिफिशियल लिम्स और ऑर्थोटिक अप्लायंसेस एंड रिहैबिलिटेशन इक्विपमेंट, इसके रिलेटेड स्टैंडर्ड फॉर्मुलेट होते हैं। MHD-10 में क्लिनिकल पैथोलॉजी, हेमेटोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रिलेटेड स्टैंडर्ड्स फॉर्मुलेट होते हैं। उसके बाद MHD-11, इसमें एनेस्थेसिंग वेंटिलेटिंग रिलेटेड एंड स्फिग्मोमैनोमीटर, सक्शन अपैरेटस, इसके रिलेटेड स्टैंडर्ड्स बनते हैं। देन MHD-12, इसमें जो ओपीडी में इक्विपमेंट यूज होते हैं जैसे स्टरलाइजर है, इंक्यूबेटर्स है, ऑपरेशन टेबल्स है वगैरह, और जो डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स रहते हैं जैसे ट्रांसफ्यूजन, इन्फ्यूजन एंड इंजेक्शन इक्विपमेंट, वो इसके अंडर आते हैं। MHD-13, ये वेटरनरी रिलेटेड है, ये स्टैंडर्ड में वेटरनरी हॉस्पिटल प्लानिंग एंड वेटरनरी हॉस्पिटल इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज होते हैं ये स्टैंडर्ड्स फॉर्मुलेट होते हैं। देन 14
MSG-14 ये हॉस्पिटल प्लानिंग सेक्शनल कमिटी है, ये जनरली जो कोड्स गाइड्स और स्टैंडर्ड्स क्वालिटी मैनेजमेंट ऑपरेशनल सिस्टम जो हेल्थ केयर सर्विस में है उसके रिलेटेड स्टैंडर्ड्स इस कमिटी में आते हैं। उसके बाद MSG-15 इसमें जनरली डायग्नोस्टिक इमेजिंग और जो रेडियोथेरेपी है जैसे डेंटिस्ट्री में यूज होता है या फिर आयोनाइजिंग रेडिएशन इमेजिंग है ये MSG-15 में आता है। MSG-17 ये हेल्थ इंफॉर्मेशन के रिलेटेड है। देन MSG-19 ये बायोलॉजिकल टेस्ट है, बायोलॉजिकल स्ट्रेन्स इम्यूनो बायोलॉजिकल एंड डायग्नोस्टिक किट्स के लिए। देन बायोलॉजिकल एंड क्लिनिकल इवोल्यूशन ऑफ मेडिकल एंड डेंटल मटेरियल इसके लिए आता है। और MSG-20 ये है बायोटेक्नोलॉजी एंड नैनो टेक्नोलॉजी जो इक्विपमेंट है मेडिकल के उस रिलेटेड आता है। MSG-21 ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए है, जैसे जो सिंगल यूज एक मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं उसको किस तरह से मैनेजमेंट मैनेज करना है ये हॉस्पिटल बायो मैनेजमेंट में आता है। एनाटोमी एंड फॉरेंसिक साइंस ये MSG-23 में आता है। इसके अंदर फॉरेंसिक बायोलॉजी बायोलॉजिकल टिश्यूज का स्टडी या DNA एनालिसिस आता है। अभी तक BIS ने 1,359 स्टैंडर्ड पब्लिश किए हैं, उसमें से 449 स्टैंडर्ड हार्मोनाइज स्टैंडर्ड्स है। इसमें ये आप चार्ट देख पाएंगे कि कौन से सेक्शनल कमिटी ने कितने स्टैंडर्ड्स डेवलप किए हैं। जैसे देखेंगे डेंटिस्ट ने सबसे ज्यादा 174 स्टैंडर्ड्स फॉर्मुलेट किए हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 31 जनवरी 2017 को मेडिकल डिवाइस रूल लाया है जो इंप्लीमेंट हुआ है जनवरी 2018 से। ये है कि जो टू एनहांस द कंट्री ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स फॉर क्रिएटिंग इफेक्टिव रेगुलेशंस। मेडिकल डिवाइस इसके जो आता है वो जिसके लिए स्टैंडर्ड्स फॉर्मुलेट है वो कंफर्म होना चाहिए इसके अंडर में। और इसके लिए अगर कोई स्टैंडर्ड्स अवेलेबल नहीं है तो, और अगर ISO स्टैंडर्ड्स अवेलेबल है, IEC अवेलेबल है तो उसको कंफर्म करना चाहिए। और अगर दोनों अवेलेबल नहीं है तो मैन्युफैक्चरर स्टैंडर्ड्स से कंफर्म करना चाहिए। ये मेडिकल डिवाइसेस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में है। ISO 13485 एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिलेटेड टू मेडिकल डिवाइस है। और उसके बाद ये ISO 16142 ये सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस ऑफ मेडिकल डिवाइसेस के लिए है। ये पार्ट वन इसमें नॉन IVD मेडिकल डिवाइसेस के रिलेटेड है, जैसे जिसको नॉन इनवाइटो डायग्नोस्टिक डिवाइस कह सकते हैं। और पार्ट टू इसके लिए जो रिमेनिंग ऑल IVD डिवाइस है ये इसके अंडर आते हैं।
स्टैंडर्ड्स अभी तक 56 है, जो इसमें से 234 लाइसेंसेस ग्रैंड हो चुके, मतलब ऑपरेटिव है ऑल इंडिया इंडिया, और इसमें से ओनली 3 स्टैंडर्ड्स मैंडेटरी सर्टिफिकेशन में आते हैं, बाकी स्टैंडर्ड्स वॉलंटरी सर्टिफिकेशन में है। तो ये 3 स्टैंडर्ड्स जो है, ये है एक जनरल, 2 है क्लिनिकल थर्मामीटर्स के लिए और 3rd है ये एक्सरे के लिए। तो ये मैंडेटरी, इसका मतलब ये है कि इसका मैन्युफैक्चरिंग विदाउट हैविंग मींस BIS लाइसेंस लिए बिना ये इसका मैन्युफैक्चरिंग और इसका सेल नहीं कर सकते। अगर इसको इंपोर्ट भी करना है तो वहाँ उनको लाइसेंस लेके ही यहाँ इंडिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये बताना चाहता हूँ कि जो कॉमनली यूज मेडिकल डिवाइसेस है वो यहाँ पे कुछ लिस्ट दी गई है जो आपको बताना चाहूंगा इसके बारे में। ये फर्स्ट IS है 3390, ये स्पिग्मो एनोमीटर के लिए है, जो आप ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए यूज करते हैं। और उसके बाद ये ISIC 80601, ये सेफ्टी एंड एसेंशियल परफॉर्मेंस रिलेटेड टू ऑटोमेटिक नॉन इनवेसिव स्पिग्मोमीटर के लिए है। देन IS 3391, ये स्टेथोस्कोप के लिए, जो आप जानते हैं जो डिटेक्शन एंड स्टडी ऑफ साउंड के लिए होता है, जो डॉक्टर जो रिजल्ट यूज करते हैं। इसके बाद ISO 15197 2013, ये ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम्स के लिए है। देन IS 17407, ये डिजिटल ऑटोस्कोप के लिए है। IS 7620, ये मेडिकल एक्सरे इक्विपमेंट्स के लिए है, जी जो कैपेसिटी दी गई इसमें 500 mA और 150 kV ऑपरेट है फॉर सिंगल फेज सप्लाईज। देन IS 13450, ये बेसिक सेफ्टी एंड एसेंशियल परफॉर्मेंस के लिए है, रिलेटेड टू जो अल्ट्रासोनिक मेडिकल डायग्नोस्टिक के लिए रिलेटेड है। देन इसमें फर्दर पार्ट 2 सेक्शन 18 है, ये एंडोस्कोपिक इक्विपमेंट का परफॉर्मेंस के लिए है। देन IS 10258, ये सीरिंज के लिए है, जो सिंगल यूज के लिए होती है ओनली। और IS 10258 पार्ट 3, ये भी सिंगल यूज के लिए है। देन IS 1227 स्टराइल सिंगल यूज सेरिन विदाउट नीडल्स। देन ISO 80601, ये थर्मामीटर्स रिलेटेड है, जो बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज होते हैं। देन पार्ट 2 जो है, ये भी थर्मामीटर रिलेटेड है, जो थर्मोग्राफ्स रिलेटेड टू ह्यूमन फैब्रिक। Then this is for a face mask। ऐसे आप जानते हैं कि अभी कोरोना महामारी में फेस मास्क का काफी महत्व बढ़ा है, तो इसमें दो टाइप के मास्क होते हैं, एक है
रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव डिवाइसेस जो आप बोलते हम बोलते हैं एन बोलते हैं N95 बोलते हैं उसको जनरल भाषा में, और दूसरा है सर्जिकल फेस मास्क। N95 जैसे बताया कि ज़्यादा इफेक्टिव है, इसमें FFP1 क्लासेस है, तीन क्लासेस है, FFP1, FFP2 और FFP3। FFP2 ओनली सॉलिड पार्टिकल के लिए होता है, एंड देन FFP2 प्रोटेक्शन फ्रॉम सॉलिड पार्टिकल एज वेल एज दैट लिक्विड ड्रॉपलेट्स आल्सो, FFP3 आल्सो फॉर दैट सॉलिड एंड लिक्विड ड्रॉपलेट्स। सो फॉर कोरोना वायरस प्रोटेक्शन FFP1, P2 एंड FFP3 आर मोर इफेक्टिव। और ये 16289 सर्जिकल फेस मास्क है जो जनरली डॉक्टर या फिर जो स्टाफ है वो पहनते हैं ऑपरेशन करते वक्त, जिससे कि बात करते वक्त कोई बैक्टीरिया मतलब ऑपरेशन करते वक्त पेशेंट के बॉडी में ना जाए और उसको इन्फेक्शन ना हो, जनरली इसके लिए यूज होता है। ये ग्लोव्स है, तो ये IS 4148 यह जो है ये रीयूजेबल ग्लोव्स के लिए है, इसमें कुछ साइजेस स्पेसिफाई की गए हैं। और IS 13422 ये डिस्पोजेबल ग्लोव्स के लिए जो ओनली फॉर सिंगल यूज के लिए है ये। और उसके बाद IS 15354 ये भी सिंगल यूज के लिए है, लेकिन ये जनरली जो मेडिकल मटेरियल होते हैं कॉन्टेमिनेटेड आफ्टर यूज किया यूज करने के बाद के उसके लिए उसको हैंडलिंग के लिए यूज होता है इसका। ये आई प्रोटेक्टर एंड फेस शील्ड 5983 आई प्रोटेक्टर के लिए है, जो कि मीन्स काफी पोल्यूटेड जगह पर जहां हम जाते हैं जैसे फैक्ट्री में वगैरह जनरली बाहर होता है, लेकिन ये मेडिकल यूज के लिए है। तो इस तो ये इसमें गॉगल्स सेफ्टी गॉगल्स और आई फेस और वायर मेश स्क्रीन आता है। 8521 ये फेस शील्ड के लिए आता है, जैसे आप जानते हैं कि अभी कोरोना समय में काफी लोग ये फेस शील्ड भी यूज कर रहे हैं, जिससे डबल प्रोटेक्शन होता है। जनरली जो लिक्विड स्प्लैश है या फिर जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो भी उससे प्रोटेक्शन होता है। ये है वेंटिलेटर के लिए 80601 ये है जनरली स्पेसिफिटी एंड परफॉर्मेंस के लिए है। और 10651 ये लंग वेंटिलेटर के लिए है जो इमरजेंसी सिचुएशन में यूज होता है। और ये 10651 ऑफ पार्ट 4 जो है ये भी लंग वेंटिलेटर है, लेकिन ये इंडिविजुअल यूज कर सकते हैं जब भी आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो तब। ये वेंटिलेटर्स है मेडिकल यूज के लिए 10651। देन सक्शन एपरेटस है जो फुट से ऑपरेट होते हैं और हैंड से ऑपरेट होते हैं। देन IS 10079 पार्ट 3 ये भी सक्शन इक्विपमेंट है जो वैक्यूम और पॉजिटिव ना वैक्यूम से ऑपरेट होता है। देन कार्डियोवास्कुलर मेडिकल डिवाइसेस है कुछ ISO 719 ये ऑक्सीजन जनरेटर्स के लिए है, जिससे हम बॉडी को ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से निकालते हैं उससे, ताकि ऑक्सीजन लेवल बढ़ सके बॉडी का। बाद में वॉल ट्रीटेटर्स के लिए 11566 है जो कार्डियोवास्कुलर सर्जरी में यूज होता है रिट्रैक्टर। देन स्टेंट के लिए
IS 25539 है, इन जॉइंट रिप्लेसमेंट जो ऑर्थोपेडिक रिलेटेड है, जॉइंट रिप्लेसमेंट इम्प्लांट के लिए ISO 21534 है, और IS 21535 ये हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट इम्प्लांट के लिए है, जिसमें इसका मटेरियल क्या यूज होना है, डिजाइन कैसी है, उसका स्टरलाइजेशन कैसे करना है, पैकेजिंग, ये इंफॉर्मेशन होती है। ISO 21536 में ये नी जॉइंट रिप्लेसमेंट इम्प्लांट से रिलेटेड है, ये व्हीलचेयर्स रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड्स है। ये 6571 ये नॉन फोल्डिंग और एडल्ट साइज व्हीलचेयर्स के लिए स्टैंडर्ड्स है। उसके बाद ये 75 7454 ये व्हीलचेयर फोल्डिंग या एडल्ट साइज के लिए है। इसमें फीचर्स नेमली आर्म रेस्ट, लेग रेस्ट, फुट रेस्ट, इसके बारे में स्पेसिफिकेशन दिया है। देन IS 8086 ये जूनियर साइज के लिए है, वो व्हीलचेयर है फोल्डिंग टाइप, इसमें भी आर्म रेस्ट के टाइप दिए, जैसे फिक्स हो या डिटैचेबल होना चाहिए, लेग रेस्ट, फिक्स स्विंगिंग होना चाहिए, फुट रेस्ट, तो इस तरह से स्पेसिफिकेशन दिए गए उसमें, जैसे हाइट कितना होना चाहिए प्लेटफॉर्म का अगर। इसके बाद आता है IS 17063, ये आता है रफ टेरेन एक्टिव व्हीलचेयर के लिए, जो कि एडल्ट के लिए और चाइल्ड के लिए भी अवेलेबल है इसमें। ये ब्रेली था विजुअल इम्पेयर्ड पर्संस के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स है, ये ब्रेल स्लेट्स है जो कॉमनली ब्लाइंड पर्सन यूज करते हैं लिखने के लिए या फिर पढ़ने के लिए, ये ब्रेल लिपि से संबंधित है, तो ये ब्रेल स्लेट के लिए IS 11279। बाद में ये एक पॉकेट फ्रेम है, जनरली ये भी राइटिंग के लिए यूज होता है, या स्टैंडर्ड में फ्रेम का साइज, डॉट साइज और डायमेंशन इसके बारे में बताया है। IS 12184 ये भी स्टाइल फॉर ब्रेली रेटिंग के लिए है, इसमें स्टाइलस स्लेट, ब्रेली स्लेट और पॉकेट फ्रेम का यूज होता है। देन IS 14429 ये शॉर्ट हैंड मशीन है, जैसे स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर टाइप मीन्स टाइपिंग करने के लिए। देन IS फॉर हॉस्पिटल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स है, IS 12433 ये हॉस्पिटल प्लानिंग के लिए है, मीन्स जिस हॉस्पिटल की बेड कैपेसिटी 30 तक है उनके लिए, और ये पार्ट टू है, इसमें हॉस्पिटल बेड कैपेसिटी 100 तक है इसके लिए है। इसमें दिया गया है कि मीन्स किस तरह से स्पेस मैनेज करना है, किस तरह वर्क किस तरह एनालाइज करना है, मैन पावर रिक्वायरमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट मैनेजमेंट और इक्विपमेंट मैनेजमेंट, इसके बारे में इसमें कवर होता है। देन ये 13808 ये ओपीडी रिलेटेड है,
यानी इमरजेंसी सर्विस के रिलेटेड है। इसमें पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री है। जो पार्ट टू है इसमें डायग्नोस्टिक प्रोसीजर आता है और ब्लड ट्रांसफ्यूशन के रेट बताया गया है, और पार्ट थ्री में नर्सिंग सर्विस के बारे में और ऑपरेशन थिएटर्स के बारे में बताया गया है। ये पार्ट फोर में जो सपोर्ट सर्विसेज है, जैसे स्टोर्स है, स्टराइल डिपार्टमेंट है, लॉन्ड्री है, किचन है, हाउसकीपिंग है, मेंटेनेंस सर्विस है, इसके बारे में दिया गया है। पार्ट फाइव है इसके, इसके बारे में, इसके में हॉस्पिटल इक्विपमेंट मैनेजमेंट दिया गया है, क्वालिटी हेल्थ केयर, जिसे क्वालिटी हेल्थ सर्विस पेशेंट को दिया जा सकता है। ये ऑप्थोल्मिक इम्प्लांट के लिए जे आई सर्जरी रिलेटेड है, इंट्राओकुलर लेंसेस, तो इसमें ISO 11979 है। इसमें पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फाइव, पार्ट सिक्स है। पार्ट टू है इसमें ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज एंड टेस्ट मेथड दिया गया है। पार्ट थ्री में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज दी गई है इंट्राओकुलर लेंस की, और उसका टेस्ट मेथड दिया गया है। पार्ट फाइव में बायो कंपेटिबिलिटी के बारे में बताया गया है। पार्ट सिक्स में जो सेल्फ लाइफ है इंट्राओकुलर लेंस, इसके रिलेटेड बताया है, और ट्रांसपोर्ट स्टेबिलिटी के बारे में बताया है। ISO पार्ट सेवन, पार्ट एट, पार्ट नाइन और पार्ट टेन। तो पार्ट सेवन में क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया गया, पोस्टेरियर और इंटीरियर चैम्बर्स होते हैं आयोल के, उसके बारे में बताया गया। देन पार्ट एट फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताया, जैसे IOL यूज होते हैं उसके बारे में। देन पार्ट नाइन मल्टीफोकल इंट्राओकुलर लेंस के बारे में बताया गया है। देन पार्ट टेन फेकिक इंट्राओकुलर लेंस के बारे में बताया गया है। देन डेंटिस्ट्री हेलो, डिस्कनेक्ट हो गए शायद नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ लालवानी जी, तो हेलो, हाँ लालवानी जी, हाँ जी, हाँ नमस्कार नमस्कार। हाँ जैसा कुमार जी का वो ब्रेक हो गया था नेटवर्क में, हाँ तो अभी मैं हॉलमार्किंग पे प्रेजेंटेशन करूं। एक्चुअली हम लोगों का भी टाइम वो चले जाएगा, अभी बंद हो जाएगा अचानक, क्योंकि इसमें टाइम लिमिट है, 1 आवर 30 मिनट्स है, पर वो उसके पहले कट हो जाता है इसमें। अच्छा क्वेश्चन आंसर चालू कर दो। क्वेश्चन आंसर मैं ये सोच रहा था कि हाँ लोगों ने बहुत क्वेश्चन आंसर बहुत भेजे हैं, तो हाँ। उसको अपन कमेंट में आप डाल दीजिए, क्योंकि नहीं तो अपना बंद हो जाएगा अभी अचानक। ओके ओके ओके, तभी नहीं तो फिर बंद हो जाएगा, तो बीच में ही अपना वो सब हो जाएगा कि भाई कैसे करें। तो मेरे को लगता है कि अपने फेसबुक पेज पे जो क्वेश्चंस आएंगे हम लोग आपको डाल हाँ। देंगे, आप उन पे हमारे को कमेंट हाँ। करके बताइएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा कि अपना बीच में ही सब डिस्कनेक्ट हो जाएगा।
क्योंकि इनमें टाइम लिमिट है। मेल में आएगा, मेल में आएगा, कैसे आएगा? फेसबुक पेज पे आएगा सर, इसकी लिंक आपको भेज दूंगा, सबको लिंक भेज दूंगा सभी को, मैं तीनों को। ओके, ये वीडियो की जो अपना हुआ है उसमें आप कमेंट में देख लीजिएगा, तो उससे फिर हम लोग ओके वैसे क्या है, हम लोग एक मिनट एक घंटे का टाइम रहता है और एक घंटे के अंदर हम लोग सब कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन में सब आंसर हो जाता है, ठीक है? क्योंकि क्वेरीज बहुत है लोगों की, अभी वो बीआईएस का तो आया नहीं, क्योंकि बीआईएस का आपका वो समझ में नहीं आया किसको, तो वो खैर अभी अपन वो आपको फेसबुक पेज पे भेज देंगे, तो फिर आप उसके ऊपर कमेंट्स दे दीजिएगा जरूर, क्योंकि लोग बहुत इंटरेस्टेड है, अभी बहुत लोग जुड़े थे अभी, ठीक है? खैर नितिन अवरी जी, कितने लोग जुड़े थे? हाँ जी अभी कुछ तो भी 28 लोग थे अभी, अभी 50 के करीब 50 के ऊपर है। अच्छा अच्छा, तो हॉलमार्किंग चालू करते। हाँ जी वॉइस क्लियर, जितना गणेश जी नहीं दिख रहे, कुवाड़ जी है क्या? नहीं उनका इंटरनेट नहीं चल रहा है तो वो नहीं है इधर। नहीं मैं नहीं, हॉलमार्किंग प्रेजेंटेशन मैं चालू करूंगा। हाँ ठीक है, करिए हलवानी जी। हाँ जी ठीक है ना, हॉलमार्किंग का प्रेजेंटेशन। हाँ 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 आप कीजिए, चलिए। हाँ ठीक है, अजय कीजिए। शेयर शेयर हो रहा है, हाँ क्वाड चालू कराना प्रेजेंटेशन, क्वाड क्वाड माइक म्यूट है त्यांचा, क्वाड माइक माइक चालू करा, क्वाड धन्यवाद चाहता हूँ। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा हॉलमार्किंग योजना वर्ष 2004 से संक्षिप्त रूप से लागू की गई थी, जिसमें 15 जून 2021 तक अनिवार्य रूप से लागू हो सकती है। हॉलमार्किंग योजना का मुख्य उद्देश्य मिलावटी सोने से जनता की रक्षा करना और शुद्धता के वैध मानकों को बनाए रखने के लिए निर्माताओं को बाधा करना। असली हॉलमार्किंग केंद्र का प्रचारण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा IS 15820/2009 के आधार पर असली हॉलमार्किंग केंद्र की स्थापना की जाती है। BIS हॉलमार्किंग योजना अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के साथ सम्मिलित किया गया है। इस योजना के अनुसार हॉलमार्किंग योजना के अंतर्गत BIS द्वारा ज्वेलर को पंजीकरण किया जाता है। BIS प्रमाणित ज्वेलर्स द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी असल हॉलमार्किंग केंद्र पर अपनी ज्वेलरी को हॉलमार्क करा सकते हैं। ज्वेलर्स द्वारा हॉलमार्क ज्वेलरी की बिक्री के लिए पंजीकरण प्राप्त करने की प्रक्रिया हॉलमार्किंग बहुमूल्य धातु में की गई अनुपातिक सटीक सामग्री का निर्धारण और आधिकारिक रिकॉर्डिंग है। इस तरह से हॉलमार्क बहुमूल्य धातु की शुद्धता की गारंटी के रूप में कई देशों में आधिकारिक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है। हॉलमार्क की योजना का मुख्य उद्देश्य मिलावटी सोने से जनता की रक्षा करना और शुद्धता के वैध मानकों को बनाए रखने के लिए ज्वेलर्स द्वारा निर्माताओं को बाध्य करना है। हॉलमार्किंग क्या है? हॉलमार्किंग कीमती धातु में अनुपातिक सामग्री का सटीक निर्धारण और आधिकारिक रिकॉर्डिंग है। हॉलमार्क इस
तथा भारत में कीमती धातु की शुद्धता या सुंदरता की गारंटी के रूप में उपयोग किया जाता है। भारत में कौन सी कीमती धातु अलमारी के दायरे में है? भारत में वर्तमान में सोने और चांदी के दो कीमती धातुओं को हॉलमार्किंग के दायरे में लाया गया है। हॉलमार्किंग योजना शुरू करने के पीछे क्या उद्देश्य है? हॉलमार्किंग योजना में ज्वेलर की अनियमित गुणवत्ता के कारण उपभोक्ता के खिलाफ संरक्षण और भारत को विश्व में एक प्रमुख स्वर्ण बाजार के रूप में विकसित करने और निर्यात को प्रतिस्पर्धा में विकसित करने का उद्देश्य है। हॉलमार्किंग ज्वेलरी से ग्राहक को क्या लाभ मिलता है? ग्राहक को थर्ड पार्टी आश्वासन, ज्वेलरी की शुद्धता और ग्राहक द्वारा दी गई कीमती संतुष्ट प्रदान करता है। हॉलमार्किंग ज्वेलरी खरीदी करने से क्या फायदा होता है? उसकी क्षमता, गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता और सोने और चांदी के आभूषणों की शुद्धता में स्थिरता आश्वासन की मजबूती प्रदान करता है। हॉलमार्किंग योजना में कौन संचालन करता है? भारतीय मानक ब्यूरो अपने क्षेत्रीय कार्यालय और शाखा कार्यालय के नेटवर्क के माध्यम से संचालित करता है। ज्वेलर्स को रजिस्ट्रेशन देने की प्रक्रिया क्या है? ज्वेलर्स को लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज फीस के साथ निर्धारित आवेदन पत्र में BRS के संबंधित शाखा कार्यालय में आवेदन जमा कराना होता है। आवेदन पत्र और जमा किए गए जाने वाले दस्तावेज और विवरण का BRS वेबसाइट पर डाटा उपलब्ध है। हॉलमार्किंग केंद्र को मान्यता देने की प्रक्रिया क्या है? हॉलमार्किंग असिंग केंद्र की मान्यता सुनिश्चित करने के लिए BRS द्वारा असिंग सेंटर के पास IS 15820 के अनुसार बुनियादी ढांचा गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली नियोजित प्रशिक्षण और सक्षम जनशक्ति भी होना जरूरी है। इसके बाद BRS द्वारा मान्यता प्राप्त पहचान और हॉलमार्किंग केंद्र सूची BRS पर डाली जाती है। हॉलमार्किंग केंद्र को मान्यता बरकरार रखने के लिए क्या प्रक्रिया है? हॉलमार्किंग केंद्र की नियमित निगरानी रखने के लिए पंजीकृत ज्वेलर से बाजारी नमूना लेना और उस नमूने को दूसरे अन्य परीक्षण केंद्रों से जांच कराना होता है। हॉलमार्क वाले ज्वेलरी में क्या दिखना चाहिए? हॉलमार्क वाले ज्वेलरी में चार चीजें दिखना चाहिए। पहला BRS लोगो, दूसरा उसकी प्योरिटी जैसे 22 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट। तीसरे में असिंग सेंटर का लोगो होता है। चौथे इसमें ज्वेलर्स का आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है। उसके साथ साथ ज्वेलर्स के पास BRS लाइसेंस होना चाहिए। ज्वेलर्स के पास मैग्नीफाइंग ग्लास होना चाहिए जिसमें ग्राहकों का यदि चार चिन्ह ग्राफ देख सके। ग्राफ के ज्वेलर्स के पास वजन काटा जिसमें 0.01 मिली ग्राम का एक्यूरेसी होनी चाहिए। अगर किसी ग्राहक को गाने में कोई गड़बड़ी लगने होने की क्षमता होने पर ज्वेलर्स द्वारा BRS में तकरार करने के लिए उसका फोन नंबर भी दर्शाया होना चाहिए। जैसे कि एक कलम दिया हुआ है, ये कलम में पहले स्टेप में BRS का लोगो दिखाया गया है, 22 कैरेट 996 दिखाया है। तीसरे इसमें असेंबली सेंटर्स का लोगो दिखाया है। चौथे इसमें ज्वेलर्स का कोड दिखाया है। BRS द्वारा BRS योजना हालांकि स्वर्ण पदकों को कवर करती है? जी नहीं, क्योंकि 995 गहनों की सुंदरता और उससे नीचे के स्वर्ण पदक को हॉलमार्क करने की अनुमति दी जा सकती है। हॉलमार्क वाले सोने के गहनों पर प्राप्त करने में कितना खर्च होता है? 35 रुपीज प्लस GST प्रति गहना, कम से कम 200 रुपए प्लस GST प्रति यूनिट। एक यूनिट में 6 पीस होते हैं। वैसा ही चांदी के लिए चांदी का 25 रुपया प्रति गहना और कम से कम 150 रुपया यूनिट। एक यूनिट में 6 पीस होते हैं। इसमें हल्मा पॉले सिल्वर, इसके सिल्वर में उसमें भी BRS का लोगो होना चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए, असिंग सेंटर का लोगो होना चाहिए, ज्वेलर्स का आइडेंटिफिकेशन मार्क
जिसमें फाइननेस शो करता है, जैसे कि 999.9, 999.5, 999.0, इस तरह के मार्किंग होती है। उपभोक्ता द्वारा हालमार्क लगी वस्तुओं का परीक्षण भी करा सकता है। उपभोक्ता डिवाइस से सामान्यता प्राप्त किसी भी असाइन सेंटर केंद्र से अपने ज्वेलरी की जांच करा सकता है। असाइन हालमार्किंग केंद्र शुल्क के आधार पर प्राथमिकता सामान्य उपभोक्ता के गहनों का परीक्षण करते हैं। असाइन हालमार्किंग केंद्र को वस्तु पर लगी मॉडल की पहचान देते हुए असाइन सेंटर का अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। शिकायत का निवारण, यदि उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई हालमार्क लगी ज्वेलरी पर मॉडल की शुद्धता से कम पाई जाती है तो वह केंद्र जिसने ज्वेलरी को हालमार्क किया है उसे उपभोक्ता को प्रशिक्षण शुल्क के साथ लौटाना होता है और मौजूदा योजना में आभूषण बदलकर उपभोक्ता को संतुष्ट करने के लिए ज्वेलर को बाध्य किया जाता है।